कौन रिजर्व ला फार है कि हो पंडित जी, आप काहे बीच में लुबुर लुबुर करते हैं? अरे हमको भी फोटो खिंचवाने दो, शौक है। खिंचाने दीजिए, खिंचाए। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। सभी सबूत और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्या को सस्पेंड किया जाता है और दोनों बच्चे को आलोक मौर्या को सौंपा जाता है। आईपीएस सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसडीएम साहिब के साथ? उसकी बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है, आलोक मौर्या, मनीष दुबे और ज्योति मौर्या को लेकर के पूरे शहर में सनसनी फैला हुआ है। प्रणाम 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 प्रणाम। आओ चित्र घंसो कुर्सी पर आओ। अरे बाप रे माँ, चित्र की हड्डी फूट गए साले। तू घरों पर लुख राती वाला काम करी छे, यहाँ पर भी लुख राती वाला काम करी छे साले। तो कौन है? बैठा सुसाई से आइए ना, बैठा वैसे आइए ना, बैठ राम। इतना धूप में पैदल हुआ आदमी, अपने खूब बतिया गई, महादेव कौन से आईली रह। आबा बउआ रखा, रख के जा। जल खा लो, पानी पी लो, आगे के काम बढ़ाओ, लड़की के बोलाओ। नाश्ता उस्ता मंगवाबै छी, नाश्ता उस्ता कर लू तो लड़की तैयार हो छी तो दिखाएल जतै। चाचा नाश्ता कहाँ रखू? इतनो दिमाग ना हो जे टेबल पर रखबे से आ कुटुंब से आयल है तो खतै। ए नाश्ता तो तना लबड़ा ले, सब ले बोला को जा। चला पेट माधर, सब तर करो कुटमैता में जाइए तो पेट भाकर लेखा करै छन, आ फिर से न रहल जाय छन, सारा सुधार लेखा करै छन, आ फिर से खोले ठुस क खो। कियो चाचा खाओ से गेलिए, तोर कुटुंब के भीड़ में बेइज्जती करैत रहसु, चला बुला कर ले ल। हाँ तो तोरा बुला कर ले तो सब गारे मुंह ठुस करके खा ल, और सब मुंह ताकत थिन। हाँ सब आदमी खाई जाओ न तो सब ढोस जाए। बउआ है देखो, नाम क्या है? ज्योति मौर्या। देख लो बेटा, ठीक है, ठीक है, रिश्ता मंजूर है। ठीक है, जब लड़का लड़की पसंद हो गए तो रिश्ता फाइनल करूं। बउआ ठीक है ना, कोई तरह के दिक्कत आओ ना है? नहीं पिताजी, कोई तरह का दिक्कत नहीं, लेकिन एक दिक्कत चल रहा है हमको मन में। 2 मिनट लड़की से बातचीत हो सकता है? जब शादी पक्का हो गए तो 2 मिनट बात करे दू। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। ठीक है बेटा, जाओ। तो आप अपने बारे में कुछ बतलाइए। क्या? जैसे कि मैं आपको पसंद हूँ कि नहीं। वैसे तो आपके जिंदगी में और तो कोई नहीं ना है, आगे क्या करने का इरादा है? जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आप काम क्या करते हैं? जी मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, 4th ग्रेड में। ओ जी ये तो अच्छा है, मैं अपना पढ़ाई जारी रखना चाहती हूँ शादी के बाद भी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, शादी के बाद भी अपना पढ़ाई तुम जारी रखना। मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनु हरि स्वाहा। ओ मंगल भगवान विष्णु मंगलाय तनु हरि स्वाहा। लड़की को बुलाया जा जजमान। क्या है गोसाते हैं जजमान, चलिए ना हम कराते हैं पूजा। जी सब होते ना, हम देखे थे जो कैसन लड़की है। चलिए शुरू कीजिए।
तो जजमान लड़की के माला पहनाए जाओ। पंडित जी आप काहे बीच में लुबुर लुबुर करते हैं? अरे हमको भी फोटो खिंचवाने दो सौ खिंचाने दीजिए खिंचाइए पंडित जी। तो जजमान ब्याह संपन्न हुआ, आप लोग जा सकते हैं। जाओ बोलिए। मैं पीसीएस की तैयारी करना चाहती हूँ। ये तो खुशी की बात है। तो मेरे लिए किताबें ला दीजिए ना। तो ठीक है, मैं बाजार जाकर अभी लाता हूँ किताब। तो डायरी मिल्क लेके आइएगा। ठीक है, जाने मन लेकर आते हैं। ले ओ किताब हम ले आए। थैंक यू जी। आज तो तुम्हारा पीसीएस वाला रिजल्ट आने वाला था, क्या हुआ? हाँ, आप नेट पे चेक कीजिए ना। रोल नंबर बतलाइए। अभी लाती हूँ। लीजिए रोल कोड। अरे वाह, तुम तो पीसीएस अधिकारी बन गई है। आईपीएसन क्या कर रहे हैं यहाँ पे एसडीएम साहिबा के साथ? ये तो अपने पति को सरेआम धोखा दे रही है, लगता है इनको पति को कहना पड़ेगा। आलोक सर, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। अरे क्या गलत हो रहा है? मनीष दुबे को आपके पत्नी के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखे हैं ऑफिस में। ऐसा नहीं हो सकता है। ज्योति मौर्या सिर्फ मेरी है, और किसी के होते लाशें बिछा देंगे लाशें। भाई आपका पारिवारिक मैटर है, आप समझिए, हम चल। रुको, ये वो आपको क्या हुआ? क्यों तुम मेरी नाक कटवाने वाली काम कर रही हो? मैंने किया ही क्या है? ऑफिस में तुम क्या क्या कर रही है काम सबको नहीं पता है? आपके पास में कोई प्रूफ रूप है तो ला के दीजिए, मुझे घर में बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ लखनऊ, मेरा वहाँ पे मीटिंग है, अटेंड करना है। ठीक है, तुम जाओ, तुमको तो बराबर मीटिंग रहता है, जाओ। आज हमको पता करना पड़ेगा ये कहाँ कहाँ गुल खिला रही है। रोज कहती हमको मीटिंग में जाना है, हम भी जाते हैं, पीछे पीछे कहाँ तक जाती है। Yeah!
तुम होटल में क्या कर रही थी? वो कौन आदमी था? उसका नाम मनीष दुबे, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुमको इसी दिन के लिए पढ़ाया लिखाया था, मुझे यही दिन देखना बाकी रह गया था। छी, हमको इस बात सुनकर बहुत शर्म आ रहा है। तुमने मेरे लिए एक बार भी नहीं सोची? आज मेरे शादी का 10 साल हो गया, आपने दिया ही क्या है? आज मैं PCS ऑफिसर बन गया तो आपको जलन हो रही है? हमको क्यों जलन होगा? आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो तलाक दे दीजिए मुझे, मैं जा रही हूँ। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है आलोक मौर्या, मनीष दुबे और ज्योति मौर्या को लेकर के। पूरे शहर में सनसनी फैला हुआ है आलोक मौर्या को लेकर के, जो अपने पति पत्नी के बीच में मनीष दुबे शनि ग्रह की तरफ प्रवेश किए हुए हैं और दोनों के अलग करने में उनका हाथ है। तो आइए हम दिखाते हैं, मनीष दुबे के रूम में हम आ गए हैं, देखिए यहीं पर मिल गए हैं और इनसे भी कुछ बात करते हैं क्या खबर निकल करके आ रही है। देखिए मनीष दुबे सर यही है। तो सर बताया जाता है कि आप आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या के बीच में एक शनि ग्रह की तरह आए हैं और दोनों को फुटका दिए हैं, तो क्या आप कहना चाहते हैं? उनको कुछ नहीं आता है, उनको पति पत्नी का आपस का मामला है, झूठ मूठ के मेरा नाम बदनाम कर रहे हैं, जो गलत बात है, मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहे हैं। सर आप बता रहे हैं कुछ नहीं जानते हैं, आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या के बीच में आप प्रवेश किए हैं, तब से दोनों को फुट हो गए और पढ़ा लिखा करके शुरू नीचा से लेकर के ऊपर पद तक पहुंचा दिए हैं और आपके चलते उसका नौकरी खत्म होने जा रहा है, तो आप कुछ भी नहीं जानते, तो कैसे हो गया ये सब? इसमें तो भाभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये सब झूठा अफवाह है, ठीक ना? आप जा सकते हैं, इसमें तो भाभी हम कोई बात नहीं करेंगे। तो देखिए मनीष दुबे सर ने अभी कुछ नहीं सही सही बताया, बताने से इनकार कर रहे हैं। तो आलोक मौर्या और ज्योति मौर्या को लेकर के देखिए मैं ज्योति मौर्या के पास में आ गई हूँ। यही ज्योति मौर्या है जो अपने SDM बनने के बाद में अपने पति को धोखा दिया, इनसे कुछ बात करते। तो मैडम जी आपको बताया जाता है कि आलोक मौर्या ने आपको पढ़ा लिखा करके बहुत SDM बना दिया है और आप उनके साथ में धोखा किए है, ये कहाँ तक सच है? ये मेरा पारिवारिक मैटर है, मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, इसके बारे में आपको कोर्ट में पता चलेगा। देखिए ज्योति मौर्या इस विषय में कुछ भी नहीं बताया, आलोक मौर्या के पास में जा रहे हैं, वो क्या इस पर राय विचार दे रहे हैं? ज्योति मौर्या कुछ भी बताने से इनकार कर दिए है, पूरे शहर में सनसनी फैली हुई है दोनों पति पत्नी के झगड़ा को लेकर के। देखिए आलोक मौर्या जी मिल गए और इनके घर पर आ गए हैं और इनसे मिलते क्या बताते हैं अपने पति पत्नी के झगड़ा को लेकर के, बहुत बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है, पूरे शहर में सनसनी खेस फैला हुआ है। तो बताइए सर आलोक जी आपके क्या बताना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्या को हम पढ़ा लिखा कर SDM बना दिए, लेकिन वो मेरे साथ बहुत विश्वासघात कर दिए। सर यह विवाद उठा कहाँ से शुरुआत हुआ? पूरे शहर में सनसनी फैला हुआ है आपके और ज्योति मौर्या के बारे में, तो यह विवाद शुरुआत कहाँ से हुआ सर, इसके बारे में कुछ बताइए। सर शुरुआत यहीं से हमको पता चला कि ज्योति मौर्या के बारे में कुछ आदमी हमको गांव वाला बोला है, उल्टा सुल्टा बात बदल लेंगे, हम ज्योति मौर्या पर उल्टा सुल्टा कोई बोलेगा तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, हम विश्वास नहीं किए। ज्योति मौर्या ने हमको एक दिन बोली कि हमको मीटिंग है नखलाऊ में, हम बोले ठीक है जाओ, लेकिन हमको तो पहले ही से बात पर शक था, गाँव वाला लोग सब बोलबे किया था कुछ उल्टा सुल्टा चल रहा है, हमको तो शक था, इसलिए हम पीछा किए। वहाँ मीटिंग जहाँ हो रहा था होटल में नखलाऊ में, वहाँ गए तो रूम में देखे रंगलीला चल रहा है रात दिन, हम तो पकड़ ली वहाँ, उसके बाद विवाद छिड़ गए। तो आपने देखा आलोक मौर्या किस प्रकार से अपनी दास्तान सुनाए, तो इसे यही साबित होता है कि ज्योति मौर्या कहीं न कहीं गलत साबित होती है। अगर आलोक मौर्या ज्योति मौर्या को आज नहीं पढ़ाया लिखाया होता तो आज ज्योति मौर्या जो भी SDM है नहीं रहती। आलोक मौर्या एक चपरासी कर्मचारी रहते हुए भी ज्योति मौर्या को इतना पढ़ाया लिखाया और उसका सारा मेहनत पर पानी फिर गया, तो कृपया आप लोग कमेंट में बताएं यह गलती किसकी है। मैं यही विदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, आज की कार्रवाई शुरू की जाती है। सभी सबूतों और गवाहों के मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मनीष दुबे और ज्योति मौर्या को सस्पेंड किया जाता है और दोनों बच्चे को आलोक मौर्या को सौंपा जाता है। अरे साला तू छत्ता लेकर कहां जाता है रे, दिखाई नहीं देता है, इतना गर्म नहीं लगता है से पानी चूता है, टप 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 टप, छत्ता ले उधर जा, दोनों बच्चा को आलोक मौर्या को सौंपो। अभी ना बोले है देने के लिए बच्चा, तो हम जा रहे थे देने, हम बच्चा देने के लिए ना कहे, छत्ता देने के लिए कहे है, छत्ता लेकर जाता है, दो देखता कौन चीज है। आज की अदालत यहीं समाप्त की जाती है।